आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, सी न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मारुति स्टेट चौराहे पर 2 माह पहले बनाया जा रहा बूथ अब अधर्म अटक चुका है। तत्कालीन इंस्पेक्टर राजेश कुमार ने शुरुआत की थी, लेकिन अब इस पर ब्रेक लग गया है। मैं इस वक्त मारुति स्टेट चौराहे पर हूँ और ये चौराहा देख सकते हैं कितना बेस्ट चौराहा है। ये जिस तरह से अन्य चौराहे शहर के जो हैं वो दिखाई देते हैं, भीड़ भाड़ वाले ट्रैफिक उस तरह दिखाई देता है, इस चौराहे पर भी काफ़ी ट्रैफिक आप देख सकते हैं। यहाँ ट्रैफिक रुकता नहीं है, हमेशा चलता रहता है। यहाँ सुरक्षा की दृष्टि से अगर हम बात करें तो तत्कालीन इंस्पेक्टर राजेश पांडे के द्वारा एक यहाँ पर चौकी का निर्माण कराया जा रहा था, बूथ बनाया जा रहा था जिसमें पुलिसकर्मी बैठते, लेकिन अब वो नज़ारा भी हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या पुलिस बूथ बन पाएगा। ऐसा लग रहा है कि इस पर ग्रहण लग गया है क्योंकि उनका यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया है और अब ये जो पोल लोहे के खड़े हुए आप देख रहे हैं इसमें जंग लग चुकी है और इसी जंग की वजह से आप देख सकते हैं ये ख़राब भी हो जाएगा। अब बहुत ही मुश्किल लग रहा है कि कोई इस तरह का इंस्पेक्टर आए जो इसको सही कराए। इस पर ऐसा लगता है कि समय की मार है, हालांकि समय लग रहा है कि सही नहीं चल रहा है सर्किल का, जिस वजह से ये भी रुका हुआ है, ट्रांसफ़र भी हो गया इंस्पेक्टर का और इधर दूसरा एक मामला सामने आ गया है जिसमें पुलिस अब व्यस्त हो गई है। ये बहुत मुश्किल से बहुत दिनों के बाद जब अनुपम सिटी यहाँ पर SP सिटी थे उनके कार्यकाल में तमाम थानों का निर्माण कराया गया, तमाम थानों में देख रेख हुई और बिल्डिंग बनी, वहाँ पर रूम्स बनाए गए, अच्छा काम हुआ। उसी दौरान यहाँ का भी मुद्दा उठा था, लेकिन ये मुद्दा फिर राजेश पांडे के द्वारा यहाँ पर उठाया गया और उनके द्वारा इसे सही कराया जा रहा था। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर पोल खड़े हो चुके हैं और अब इनकी केवल तस्वीर मात्र रह गई है जो शोपीस बन गए हैं। ये कब तक बनेगा? अगर ये बन जाता तो शायद यहाँ पर आने जाने वाले लोगों को काफ़ी सुरक्षा मिलती, लेकिन अब ये केवल ऐसे ही खड़ा रह गया है और अब इसका कोई अता पता नहीं है। चौक यहाँ पर बूथ कब तक बनेगा? यहाँ पुलिसकर्मी बैठते तो इस चौराहे पर जो भीड़ भाड़ होती है, जो यहाँ पर छीना झपटी होती है या छेड़खानी होती है, तमाम ऐसे मामलों पर लोग एक बार वारदात करने से पहले सोचते 100 बार, लेकिन अब यहाँ पर ये अधर्म लटक गया है मामला। अब ये कब तक बनेगा ये आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल अभी फ़िलहाल तो ये पुलिस बूथ बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। मेरे पीछे कितनी भीड़ आप देख सकते हैं। कैमरा पर्सन अनूप साथ विनोद जूनियर, सी न्यूज आगरा।